बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का यूज होता है। तो ज्योमेट्री में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा जानने की ज़रूरत पड़ती है, और बायो वाले बच्चों को थोड़ा कम जानकारी होता है इसके बारे में। तो आज हम थोड़ा सा रेगुलर पॉलीगन के बारे में कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट बताएंगे, तो उसको रट लेना, उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। रेगुलर पॉलीगन, जैसे रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सेंटर बोलते हैं, ये साइड ए, ठीक। सेंटर को ज्वाइन करो ज्योमेट्रिक सेंटर को, चलो कुछ पी से बोल दो, ठीक है। सेंटर से वर्टेक्स की दूरी क्या बोल दिया? आर। तो रेगुलर है तो आर आर सेम होगा। तीन के बाद कितने साइड हो सकते हैं? सबसे छोटा तीन, उसके बाद चार हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ज्योमेट्रिक सेंटर ये, इसको ज्वाइन किया तो इसको क्या बोलेंगे? आर, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला? उसके बाद तो बनता तो अपना है, जानते हैं आप सभी लोग, ए बी सी डी ई, पेंटागन। उसके बाद क्या बनता है? हेक्सागन, ए बी सी डी ई एफ। इसका भी सेंटर यहाँ पे होगा, ये सब डिस्टेंस क्या बोला जा रहा है? आर। ये क्या बोला जा रहा है? आर। सब बराबर होंगे आपस में, ठीक है। सबका साइड लेंथ ए मान लो, तो एक फॉर्मूला जो बनाएंगे वो फॉर्मूले सबके लिए रहेंगे एक जैसे, इसलिए रटना है, ठीक ना। सबके सेंटर को पी बोल दो। देखो साइड जो होगा सेंटर पर कितना एंगल सबटेन कर रहा होगा वो थीटा बोलते हैं। चलो साइड जो होगा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा उसको बोलते हैं थीटा, ठीक ना। थीटा क्या होगा आप खुद बताओ, टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 पूरा एंगल मिला के होगा? 360 तो पूरा एक सर्कल पे होता है, 360 तो पूरा एक सर्कल पे होता है, एक सर्कल पे पूरा मिला के, बोलो भाई। तो एक कितना बना रहा होगा? तो छह पार्ट में डिवाइड कर दो 360 को, इधर पांच पार्ट में डिवाइड कर दो, इधर चार पार्ट में डिवाइड कर दो, टोटल मिला के 360, चार पार्ट में टोटल मिला के 360, तो इधर तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, देखो एक दो तीन। तो यानी एन साइड हो तो फॉर्मूला बन जाएगा 2π/n। कितना एंगल बनेगा? 2π/n। 360 बोलो या रेडियन में हम पाई बोलते हैं, ठीक है, या फिर और 360 डिग्री/n। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। और एक बात याद रखो, जब ये किसी एक ट्रायंगल को देखो, ले लो सभी जैसे बने हैं ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल को लो, इस ट्रायंगल से देखो तो इसको तो आप ए बोल रहे हो, ये आर है, ये आर है, ये पी है, चलो ये ए बी बोल दें, ठीक है। ये पूरा कितना बनता है आप बोल रहे हो? 2π/, ये देखो ये एंगल तो सेम होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, π/n π/n। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस देखो आर साइन π/n, ऐसे इधर भी आर साइन π/n। तो देखो ये हाइपोटेनस है तो बेस कितना बनेगा? हाइपोटेनस से देखा जाए तो आप लोग पढ़े हो आर साइन π/n, a/2 = r sin π/n, यानी r = a/2 sin π/n। याद रखिएगा r क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, रटना है। वर्टेक्स से सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है? a बाई
टू साइन पाई बाई एन, ए क्या है साइड लेंथ, एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। ये फॉर्मूला रट लेंगे, इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होंगे, कई बार कैलकुलेशन में यूज होता है, तो हम लोग रटे रहे हैं, ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। इसमें थोड़ा और पॉइंट, रेगुलर हेक्सागन में ये सारी बात अगर याद कर लिए है तो रेगुलर हेक्सागन में थोड़ा सा और पॉइंट हमें याद करना है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स रेगुलर हेक्सागन में। और भी रेगुलर हेक्सागन में देखिएगा जरा, रेगुलर हेक्सागन में इसको ए बोल रहे हैं, ये सेंटर है, ये डायगोनल हुआ, कितने टोटल डायगोनल, तीन, ठीक है। अब देखो तुम खुद ही बताओ, ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, अभी भी पढ़ा है सब वर्टेक्स से सारे दूरी को क्या बोलते हैं सर, डिस्टेंस आर होते हैं, ये आर। अब इसके लिए ये थीटा कितना बनेगा, सिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, थीटा हो जाएगा टू पाई बाई सिक्स यानी पाई बाई थ्री, आर कितना होगा ए अपॉन टू साइन पाई बाई एन, टू साइन पाई बाई एन, पाई बाई एन का मतलब होता है पाई बाई सिक्स, आर इक्वल टू ए बाई टू इंटू वन बाई टू ए, आर और ए बराबर होता है, इसका मतलब ए, 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 यानी एक रेगुलर हेक्सागन को छह बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन छह बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग को पता है भाई सब कुछ, कि सर ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 60 सब 60 60 60 में बढ़ गए, बहुत ही सिमेट्रिकल होता है। वर्टेक्स से सेंटर के बीच की दूरी जितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, याद रखिएगा साइड लेंथ वही होता है जो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर, सेंटर वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही साइड लेंथ होता है, रटा रहना चाहिए। अब देखो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल अपोजिट, तो भाई ए प्लस ए टू ए, डायगोनल होगा टू टाइम्स साइड लेंथ, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये सब रटा रहे एकदम। डायगोनल के बीच की दूरी कितनी, साइड लेंथ। एक बात मैं और कहूँगा रट लो, कि भाई दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के बीच की दूरी तो ए होता है, यानी दो साइड छोड़ के, दो वर्टेक्स छोड़ के, यहाँ से अगर मैं देखूँ दो वर्टेक्स छोड़ोगे तब पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बन जाएगा, यहाँ से देखो दो को छोड़ो तब ज्वाइन करो तो डायगोनल बन गया, डायगोनल का लेंथ हमें पता होता है टू ए, यहाँ से भी देखो दो को छोड़ो तो डायगोनल बन जाएगा तो टू ए होता है, और डायरेक्ट एडजेसेंट की बात करेंगे तो ए होता है। एक को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जैसे मतलब यहाँ से एक को छोड़ दो ये दूरी, हाँ एक को छोड़ के ये दूरी, यहाँ से ही मैं यहाँ से ही बोलूँ एक को छोड़ के ये दूरी, तो भाई मैं बोलूँ ये भी दूरी जो होता है, आप लोग इसको रट डालो, ये ए रूट थ्री होता है, ये ए रूट थ्री होता है, ये ए रूट थ्री होता है, ठीक है। रटो, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वैसे आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन हम इसको कहेंगे आप लोग रट डालो, मैथ्स वाले प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन करोगे परपेंडिकुलर आएगा, बाकी बायो वाले रटें। मैं आपको पूछूं कि मैं पूछूं ये साइड लेंथ कितना होगा,
अगर ये एल है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो एल रूट थ्री होगा। एक छोड़ के जो डिस्टेंस होता है एल रूट थ्री, दो छोड़ोगे तब डिस्टेंस देखोगे तो दोगुना होता है साइड लेंथ का, और वही साइड लेंथ ही उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे देखो साइड लेंथ, एक छोड़ के बढ़ाओगे तो रूट थ्री टाइम्स, दो छोड़ के बढ़ाओगे तो टू टाइम्स, कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।